स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आगे की कहानी कितनी इंटरेस्टिंग होने वाली है, ये हम आपको बताएंगे अपने इस खास रिपोर्ट में। जी हाँ, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आगे की कहानी बड़ी ही दिलचस्प होने वाली है। सुवर्णा नायरा के जिंदा होने के एहसास को जीती नजर आ रही है। सुवर्णा, जो कि नायरा को अपनी बहू मानने के बजाय बेटी माना करती थी, अक्षरा से दूर होने के बाद सुवर्णा में ही नायरा को अपनी माँ की परछाई दिखाई दी थी। लेकिन सुवर्णा एक माँ होने का फर्ज निभाती हुई फिर नजर आएंगी इस शो में, जो कि दादी को मनाने की कोशिश करती है, कार्तिक और वेदिका की शादी तोड़ने की कोशिश करती है। अब गोयनका परिवार में कायरव की एंट्री को भी खुलासा हो चुका है। कायरव का एंट्री, गोयनका परिवार में कायरव का कदम रखना नायरा का सबके बीच आने से कम नहीं। नायरा और कार्तिक के प्यार का वो मिसाल जो कायरव के रूप में सबके बीच है, लेकिन इसके बावजूद कार्तिक अपने बेटे के असलियत से अनजान है। बेटा है वो उसका खुद का, इस बात से कार्तिक अनजान है। ऐसे में सुवर्णा नायरा के जिंदा होने का राज खोलेगी। देखेंगे आप इस शो में कायरव अपना सच कबूलेगा, सुवर्णा नायरा को घर वापस लेकर आएगी, एक माँ होने का फर्ज सुवर्णा निभाएगी, कार्तिक के दिल का दर्द जो सुवर्णा समझती है अपने बेटे को दोबारा से खुशियां देने के लिए, बेटे के दुख को समझती हुई सुवर्णा इस बार जो बड़ा प्लान कर रही है वो कार्तिक और वेदिका को दूर करने की है, क्योंकि कार्तिक की खुशी नायरा में ही है, वेदिका में नहीं। इस बात का एहसास सुवर्णा को हो चुका है। दादी भले ही बात नहीं मानती सुवर्णा की, लेकिन दादी के सामने जब नायरा खुदाएगी तो दादी की भी बिल्कुल नहीं चलेगी। नेक्स्ट 9 लाइव से तृप्ति की रिपोर्ट।